हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाइज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज ट्वेंटी फिफ्थ आई एम वेली वेरी सॉरी बट आज रिकॉर्डिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो ये थर्ड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है आई होप uh, आप लोग बेयर कर लेंगे इसको थोड़ा लेट हो गया है इसके लिए तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं uh, सबसे पहला न्यूज़ हमारा है एक कॉइन रिलीज़ किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फॉर आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए ये कॉइन लॉन्च किया है आप देखिए ये हंड्रेड रुपीस का कॉइन है फिल्म्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो पी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इम्पोर्टेंट है इसमें कॉइन में वाजपेयी जी की फोटो है उसके साथ हंड्रेड रुपीज़ का ये कॉइन है दोनों बातें आप याद रखेंगे नेक्स्ट न्यूज भी इनसे ही जुड़ा हुआ है सदैव अटल इनकी समाधि का नाम रखा गया है और ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को उनका बर्थडे आता है और इसके लिए उनको ऑनर प्रोवाइड किया जा रहा है कंट्री की तरफ से आ, अटल जी की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा एमनस थे पोइट थे ह्यूमानस थे स्टेटमेंट और एक ग्रेट लीडर थे तो उनको ये समाधि डेडिकेट की जा रही है सदैव अटल इसकी बहुत सारी खास बातें हैं जैसे कि यहाँ पे ग्रेनाइट सॉलिड स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और नाइन ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और सेंटर में एक दिया इस्टेब्लिश किया जाएगा तो ये जो ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इसकी खास बात ये फोन यूज़ किए जा रहे हैं वो कंट्री के अदर अदर पार्ट से लाए जा रहे हैं जो एक यूनिटी को शो करेगा अदर देन दैट ये नाइन जो नंबर होगा ये नवरसाज नवाग्रहास इन सभी को डिनोट करेगा तो काफ़ी ख़ास बातें हैं इस सदैव अटल समाफैक्ट्स को याद रखेंगे आप और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सी सैट का नया बैच लॉन्च किया गया है नेक्स्ट वीक में सबसे अच्छी बात यह है कि वीकेंड में है बट प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन इसकी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं होगी अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन uh, में हैं या दिल्ली में हैं तो आप आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली भी सी सैट के लिए इधर इन हिंदी मीडियम और इन इंग्लिश मीडियम तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है उसकी बात कर लेते हैं सेंटर वॉन्ट्स फेक न्यूज़ ट्रेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कल भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ये न्यूज़ ये है कि इसमें जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर ऐसे जगह पे होने वाले अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी और इसमें कल हमने डिस्कस किया था कि टेन एजेंसीज होंगे जिनको कि ये कार्यभार सौंपा गया है कि वो लोग इस पर निगरानी रखेंगे जितने भी फेक न्यूज़ स्प्रेड किए जाएंगे उसको काउंटर करना है डिसेबल करना है बिकॉज अभी तक जो मॉब लिंचिंग वाली केसेस देखने को मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा रोल ये फेक न्यूज़ ही प्ले करते हैं और उसमें ये एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को तो इस वजह से इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सहारा लिया जा रहा है तो ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है बोगीबिल ब्रिज को लेकर के कई बार डिस्कस किया हमने बोगीबिल ब्रिज के बारे में तो आज के बाद शायद ही ये न्यूज़ में हो अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो न्यूज़ में आएंगी लेकिन ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो याद रखना है ये जो ब्रिज है ये अभी तक का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है जो कि आसाम में बनाया जा रहा है ठीक है देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है जो प्रोजेक्ट है पिछले 22 सालों से चलता आ रहा है बहुत सारी गवर्नमेंट आई ने कोशिश की कि ये ब्रिज कंप्लीट हो बन सके बट ऐसा अभी तक हो नहीं पाया बट रिसेंटली अभी ये तैयार हो चुका है और आज इसका इनाग्रेशन है देखिए फोर फोर किलोमीटर का ये पूरा ब्रिज है बोगी बिल ब्रिज तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है सेकेंड ये असम में है एंड ये जो बोगी बिल ब्रिज है इससे असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी बहुत कम हो जाएगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाए गए हैं इसमें से एक ये भी होगा याद रखिए कुछ और फैक्ट देखिए जैसे पी के एग्जाम में अब फाइनेंशियल असिस्टेंस से पूछा जाने लग गया है तो याद रखिएगा कि ये जो बोगी बिल ब्रिज होगा ये इसकी कॉस्टिंग फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ रुपीस की है ठीक है और कुछ फैक्ट हमने देख लिया कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है रेल रोड ब्रिज है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप है बहुत सारी कंपनीज़ है जो शामिल हैं और फोर किलोमीटर का है ये भी बात याद रखिएगा ठीक है और अब नेक्स्ट न्यूज़ है ललित गिरी ललित एक लोकेशन है ओडिशा में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया अब क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ओडिशा में अब तीन साइट्स आ गए ललित रत्नागिरी और कोनार्क ठीक है तो ललित में खास बात क्या है यहाँ पर एक एग्जीबिशन किया गया था और उसमें बुद्धिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे सील्स और इंस्क्रिप्शन पाए गए थे तो इस वजह से ये लोकेशन बुद्धिज्म को लेकर के डेडिकेटेड है वहाँ पर एक बुद्धस्ट साइट म्यूज़ियम बनाया जा रहा है उसका इनोग्रेशन अभी होना है तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एक डायमंड ट्राएंगल है दैट मीन्स ललित गिरी रत्नागिरी और उदयगिरी ये तीन साइड्स हैं जो कि आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं और इसी को डायमंड ट्राएंगल बोला जाता है तो अगर आप क्वेश्चन बन जाए कि डायमंड ट्राएंगल में कौन कौन से प्लेस हैं तो याद रखना है और तांत्रिक बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस होती है यहाँ पर तो आइए बात करते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज़्म क्या होता है देखिए तीन कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज़्म में तीन सेक्ट हैं हेनयान वज्रयान और महायान तो वज्रयान जो था वो बहुत लास्ट में आया था सबसे लास्ट में आया था ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मनिज़म को काफ़ी थ्रेट पहुँचने लग गया तो जो हमारे सेंट्स थे उस वक्त उन्होंने बुद्धा को विष्णु का अवतार बताया और बुद्धिज़्म को ब्रह्मनिज़्म में लाने की कोशिश की थी तो उसी से उत्पन्न हुआ था ये वज्रयान और तांत्रिक बुद्धिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वज्रयान देखिए ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट है ये तिब्बत में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है लेकिन इसके बाद ये बाकी कंट्री में भी स्प्रेड हुआ सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं था तो याद रखना है तांत्रिक बुद्धिज्म ही प्रैक्टिस में था ललित गिरी वाले एरिया में ठीक है और अब अगला न्यूज़ है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार डिस्कस कर चुके हैं आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है आई कंपनीज कई सारी है जैसे कि टी सी एस विप्रो आई इन सभी को आई जो आर उन्होंने कहा है कि आप अपने यहाँ पे पी क्रिएट कीजिए इसमें डिटेल्स इकट्ठा की जाती है डाटा बेस तैयार किया जाता है जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है फिर ये क्या है देखिए इसमें एक्सटेंसिव डाटा बेस तैयार किया जा रहा है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स प्रपोज पी सी आर विल ऑल्सो इंक्लूड डाटा फ्राम एंटिटीज़ देखिए जो मार्केट uh, रेगुलेटर्स हैं जैसे कि सेबी है कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है या फिर जीएसटी नेटवर्क इन सभी जगह से ये uh, ये जो रजिस्ट्री है तैयार की जाएगी और ये सारे रेगुलेटर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू रेगुलेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ठीक है और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं सिग्निफिकेंस भी है वो क्या क्या है देख लेते हैं पी कैन पोटेंशली हेल्प बैंक इन क्रेडिट असमेंट एंड प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट एज वेल एज इन मेकिंग रिस्क बेस्ड डायनेमिक काउंटर साइकिलिंग प्रोविजनिंग तो बहुत सारी इसमें हेल्प मिल सकती है पहले तो जो बैंक हैं उनको ही हेल्प मिलेगा कि वो क्रेडिट असेसमेंट कैसे करें ये वो पता लगा सकते हैं इस रजिस्ट्री के तौर पे सेकेंडली जो आर है उनको पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है मॉनिटरी पॉलिसी कैसे तैयार करना है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ए पी और जो लूप होल है मार्केट का वो समझने में सेकेंडली जो रेगुलेटर्स हैं जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं वो सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से पीसीआर क्रिएट हो रहा है तो विलफुल डिफॉल्टर्स कितने हैं या एन पी एस कहाँ और क्यों क्रिएट हो रहे हैं तो ये सब पता लगाने में ये पी सी आर काफ़ी हेल्प करेगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि टास्क फोर्स तैयार किया गया था आर बी आई के द्वारा जो वाई एम दोस्तले की चेयरमैनशिप में था तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टास्क फोर्स के बारे में याद रखेगा वायन दोस्तले थे जो इसको शेयर कर रहे थे और अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर बताया है देखिए नियर थ्रेटेंड नहीं है ये लीस्ट कंसर्न है याद रखिएगा हिमालयन मार्मोट्स आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में आते हैं ठीक है और अब अगला न्यूज है न्यू हॉरिजोन्स स्पेस को लेकर के अभी न्यूज में बिकॉज शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसमें नासा अभी इसको लॉन्च करने वाला है वहाँ अल्टिमा ठूले में ठीक है ये एक प्रोजेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूपर बेल्ट में सिचुएटेड है तो फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि जो न्यू हरिजॉन स्पेस है वो नासा का मिशन है सेकेंड थिंग कि दैट मेड ह्यूमैनिटीज फर्स्ट एवर विजिट टू प्लूटो 2015 में प्लूटो में ये विजिट कर चुका है और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो अल्टीमा चूले को टारगेट करना है इसका मेन एम तो अल्रीमा थ्यूले जो ऑब्जेक्ट है ये क्यूपर बेल्ट में है पहली चीज़ याद रखिएगा दूसरी चीज बहुत ही अनइवन शेप में है इरेगुलर शेप में है सेकेंडली यहाँ पे ये रेडिश कलर का है और इससे बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है इसके लिए नासा का ये मिशन यहाँ पर भेजा जा रहा है ठीक है और अब अगला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म के प्रस्पेक्टिव से कोरोलेव क्रैटर तो कोरोलेव क्रैटर जो है अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है मार्स में है ये मार्स पे सिचुएटेड है ये क्रैटर आईसी क्रैटर है और इसका पता लगाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स एक्सप्रेस मिशन में ये पता लगाया गया है उनके द्वारा तो ये ऐसा माना जाता है कि जो ग्रैंड कैनियन है अर्थ पर उससे भी ज्यादा डीपर है ये क्रैटर तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर स्टेब्लिश है इसका आपको याद रखना है और अब आज का क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में कौन सा स्टेट नहीं है आपको ये बात बतानी है ये यह यहाँ पे चार स्टेट का नाम लिखा हुआ है गेस करें या अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रलिमिनरी टेस्ट सीरीज़ के लिए 2019 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को अप्रोच कर सकते हैं एडमिशन ओपन है आपका टेस्ट थर्टी दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आप देखिए कि सारा शेड्यूल आपको यहाँ पर गिवन है ठीक है टोटल एटीन टेस्ट है बहुत प्रॉपर आपको टाइम दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट को दो बार आप टारगेट कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और इसमें साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है आप साथ में अपने जो करंट के आपने नोट्स बनाए हुए हैं या मैगजींस फॉलो करते हैं आप उसको पढ़ते चलें मंथली uh, एंड एक और इन्फॉर्मेशन जो लोग ट्वेंटी ट्वेंटी में भी अप्रोच कर रहे हैं लेकिन आप एग्जाम का अप्रोच जानना चाहते हैं क्वेश्चन पैटर्न जानना चाहते हैं तो आप भी इसको अप्रोच कर सकते हैं तो नंबर यहाँ पर गिवन है एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल देखिए जब व्यूज़ बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो बहुत अच्छा फील होता है ज़ाहिर सी बात है सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें देखिए नोटिफिकेशन आती नहीं आई डोंट नो वट इज़ अ प्रॉब्लम बिहाइंड इट तो आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं न्यूज़ को और ये हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट स्टेपअप डॉट कॉम यहाँ पर आप पी डी एफ के लिए अप्रोच करें थैंक यू